नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के योगी बाबा ने लखनऊ में विधान भवन में झंडारोहण किया, पंच प्रण की शपथ ली, और इसी के साथ 52 सेकेंड के लिए देखिए पूरा का पूरा लखनऊ शहर थम गया, क्योंकि शपथ के दौरान शहर के 19 प्रमुख चौराहों पर सिग्नल एक साथ रेड हो गए। 52 सेकंड के लिए सही ट्रैफिक रुक गया। राष्ट्रगान का प्रसारण पूरे शहर में LED स्क्रीन्स, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और स्मार्ट सिटी में लगे ITMS के जरिए दिखाया गया। और इसी के साथ देखिए योगी बाबा ने हर घर तिरंगा अभियान की भी शुरुआत कर डाली। भगवधारी पगड़ी पहने भगवा वस्त्र में योगी बाबा ने देखे जनता को संबोधित किया। नए भारत को लेकर ये कहा कि हमारे संस्कार हमें सदैव माता भूमि पुत्र हम प्रतिज्ञा के साथ जोड़ते रहे हैं, और हमने इस धरती को कभी धरती का टुकड़ा नहीं माना बल्कि इसे अपनी माँ का दर्जा दिया है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भाइयों बहनों, आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। हम सब जानते हैं हमारे संस्कार हमें सदैव से माता भूमि पुत्र अहम कृतज्ञता के भाव के साथ जोड़ते रहे हैं। हमने कभी भी धरती को केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं माना है। धरती को हमने अपनी मां के रूप में सम्मान दिया है, और धरती को माता के रूप में सम्मान देकर के उसके प्रति जो कुछ भी अभिष्ट है, जो कुछ भी अच्छा है, वह कर गुजरने की तमन्ना के साथ हर भारतवासी कार्य करता है। तो स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर योगी बाबा की एक भविष्यवाणी इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। बीते दिनों योगी बाबा ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी की है जिसके बाद से पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान डरा हुआ है क्योंकि अब उसके मुल्क में बुलडोजर चलने वाला है। अब पाकिस्तान के टूटने का समय आ चुका है, क्योंकि जिस पाकिस्तान ने बीते 76 सालों से कश्मीर पर कब्जा किए जाने का ख्वाब देखा और जिस पीओके को खुद के मुल्क का हिस्सा बताता है, आज उसी पाकिस्तान के खंड खंड होने का समय आ चुका है, क्योंकि इस बार पीओके की घर वापसी कोई और नहीं बल्कि योगी बाबा करने वाले हैं, और इस बात की भविष्यवाणी उन्होंने खुद की है। उन्होंने डंके की चोट पर पाकिस्तान के विनाश की सबसे बड़ी भविष्यवाणी की है, आप भी सुनिए। 1947 में विभाजन की त्रासदी को झेलते हुए भी 140 करोड़ की आबादी का हिंदुस्तान जाति मत मजहब क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के भेद को समाप्त करते हुए एक भारत और श्रेष्ठ भारत के संदेश के साथ जहां आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश की दुर्गति हम सब से छुपी भी नहीं है। क्या स्थिति है पाकिस्तान के अंदर, किस प्रकार की स्थितियों का सामना पाकिस्तान वर्तमान में कर रहा है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के पास उर्वरा भूमि न रही हो। भारत की जो कृषि उत्पादन की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उर्वरा भूमि थी वह पाकिस्तान के पंजाब में गई थी। विभाजन के बाद पाकिस्तान उस भूमि के बल पर कुछ दिनों तक अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर भी हुआ, लेकिन उसकी नकारात्मकता आज उसे वहां पहुंचा दी है कि आपसे आपके सामने वे दृश्य भी देखने को मिलते हैं। जब 5 किलो आटा की बोरी को लेकर के सरे बाजार में छीना झपटी होती है,
यानी भूख के लाले पड़ रहे हैं आज वहां पर, अराजकता चरम पर, कोई सुरक्षित नहीं, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता कि जो दूसरों के लिए कांटा बोए तो उसके लिए कोई फूल बिछाने का कार्य करे। वे कांटे तो एक न एक दिन उसी को काटने पड़ेंगे, उसको उन्हीं से गुजरना पड़ेगा, उन्हीं से उसका सामना होना पड़ेगा, और यही आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। उसने दुनिया को दर्द दिया, भारत को विभाजन का, दुनिया को आतंकवाद का। तो यही विभाजन और यही आतंकवाद पाकिस्तान को ले डूबेगा, और हुआ भी। 1947 में भारत के दो टुकड़े हुए, भले पाकिस्तान के रूप में उसके दो भूभाग उसके पास गए, एक पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, एक पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में, लेकिन वह बहुत दिनों तक अपने उस भूभाग को भी संभाल के नहीं रख पाया। पूर्वी पाकिस्तान उससे अलग हो गया, उसके अत्याचारों से, उसके शोषण से उसने अपने आप को अलग कर दिया। यह कहना कि मजहब के आधार पर वे सुरक्षित हो जाएंगे, तो आखिर पाकिस्तान के साथ पूर्वी पाकिस्तान तो एक ही मजहब था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान से जुड़ी योगी बाबा की इसी भविष्यवाणी में हकीकत कितनी है, क्योंकि नए भारत के नई तस्वीर में क्या पीओके की वापसी मुमकिन है? इसको लेकर पीओके की कुंडली क्या कहती है, खासकर क्या आजाद भारत की कुंडली के अनुसार पीओके की वापसी संभव है, इसको लेकर आइए वैदिक ज्योतिष क्या कहता है। आइए आपको हम ज्योतिष अनुसार ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारत की आजादी की कुंडली में वृषभ लगन और लगन में राहु बैठा है। अभी देखिए राहु गुरु दोनों 12वें स्थान के साथ चल रहे हैं। गुरु 12वें स्थान से भारत की कुंडली के चतुर्थ स्थान को देख रहा है और गुरु की दृष्टि में विस्तार भी है, और ऐसे में संभव है कि 1 मई 2024 से पहले पहले पीओके पूरी तरह भारत का हिस्सा बन सकता है, ऐसे हमारे देश के ज्योतिषों का मानना है। शनि भी कुंभ राशि में बैठकर चतुर्थ भाव को विस्तार दे रहा है, जिससे इस संभावना को और बल मिलता है। और ऐसे में जब राहु मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेगा तो उसी वक्त संध्या काल यानी कि 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में कुछ ऐसा माहौल भी बन सकता है कि पीओके पर भारत का प्रभाव बढ़ने लगे, क्योंकि राहु जब भी देखिए राशि परिवर्तन करता है तो उस समय जो भी होगा वो सब अचानक ही होगा। फिर सूर्य जब मकर राशि में आएगा तब उस समय सूर्य की स्थिति इस तरह से रहेगी जैसे आजाद भारत की कुंडली में सूर्य चंद्रमा शनि के सामने मौजूद होंगे। तो 14 जनवरी से 14 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में रहेंगे और 5 फरवरी से मंगल भी मकर में आ जाएंगे, मतलब मकर राशि में सूर्य मंगल साथ साथ चलेंगे और पाकिस्तान की मेष लगन की कुंडली के दशम स्थान में आएंगे और उस कुंडली के चतुर्भाव में बैठे सूर्य चंद्र और शनि के सामने से गुजरेंगे, तो देखिए युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। और ऐसे में देखिए 5 फरवरी से 15 फरवरी के बीच पीओके पर भारत अपना प्रभुत्व बना सकता है, अपना प्रभाव बना सकता है, और लेकिन